जी आर डी का मतलब है स्टमक के कंटेंट इसोफेगस में आने, खाने की नली में, तो इसलिए इसको कहते हैं जी आर डी। ये जो कंटेंट आते हैं इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे मुंह में खट्टा पानी आना, नौशिया फील होना, कभी कभी वॉमिटिंग होना, पेट का फूलना और डकारें आना, गले में खराश होके खांसी आना, तो इस तरह के सिम्टम इसमें होने लगते हैं। अब क्यों होते हैं इस तरह के सिम्टम? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तंबाकू का सेवन है, ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है, इन सब में ये सिम्टम ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से इसको हम लोग सोचते हैं कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा इसको रोकने के लिए? हम एक तो इन चीज़ों की प्रिकॉशन रखें, स्मोकिंग बंद करें, अल्कोहल बंद करें, वेट को घटाएं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि रात में जो खाना खाते हैं वो लेट नाइट डालें, उसको रात में 8 बजे ले लें और रात का खाना हल्का रखें। अक्सर हमारे सिस्टम में रात का खाना बहुत तला भुना और ये होता है, इसको अवॉइड करें। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि रात में जब सोते हैं तो सिरहाना ऊंचा होना चाहिए, तकिए से नहीं, जो बेड है उसको ऊंचा कर दें, चाहे 2 ईंटें लगा दें पायों के नीचे, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, उससे बड़ा डिफरेंस आता है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से राय लें, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तब वो दवाएं बताएंगे क्या दवा खानी है, वो दवाएं खाइए। चूँकि इसमें हम आपको दवाई तो नहीं बता सकते हैं, पर आप बात करेंगे तो पता लग जाएगा। धन्यवाद।